आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह, आपके समक्ष झारखंड के 24 जिलों की राजनीतिक खबरों के साथ। फटाफट सुनिए आजाद सिपाही राजधानी एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री रघुवर दास उग्रवादी हिंसा में मारे गए सामान्य नागरिकों के आश्रितों एवं कारा अस्पताल में पारा चिकित्सा के 150 पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका क्या दोष था, जो सामान्य नागरिक थे, नक्सलियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया, वे हमारे लोग थे, हमें उनके लिए दर्द है, हम उनके लिए खड़े हैं। दूसरी खबर, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीसीसीएल क्षेत्र में जितनी जमीन खनन के लिए ली गई है उनके परिवार के एक सदस्य को योग्यता और अर्हता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। तीसरी खबर, कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि राज्य की जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, कांग्रेस के कार्यक्रम में आम लोगों की भागीदारी हो रही है, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। आजाद सिपाही खूंटी एक्सप्रेस, तमाड़ के पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की पत्नी आरती देवी भी यहां की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। आजाद सिपाही लोहरदगा एक्सप्रेस, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में राजमोहन राम की अध्यक्षता में बैठक हुई। आजाद सिपाही पश्चिमी सिंहभूम एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चाईबासा में जन चौपाल लगा, ग्रामीणों से विकास योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा काम नहीं करने वाले अधिकारियों को सरकार वीआरएस देकर घर भेज देगी। आजाद सिपाही गुमला एक्सप्रेस, सिंगल नेता नील जस्टिन बैंक ने कहा कि राज्य की हालत देखते झामुमो में फिर से शामिल होंगे, कहा कि इस समय झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को एक मंच पर आने की जरूरत है। आजाद सिपाही सिमडेगा एक्सप्रेस, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बेंजामिन लकड़ा ने कहा कि सबों को एकता बनाए रखना है, चुनाव के दौरान बहुत से लोग आएंगे और वोट के लिए आपस में बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आजाद सिपाही गिरिडीह एक्सप्रेस, भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद सिंह मिशन 65 पार के लक्ष्य को लेकर बूथ समितियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कहा कि पूरे देश और राज्य में भाजपा मजबूत पार्टी है, लोगों को बताएं कि भाजपा सरकार ने गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। आजाद सिपाही रामगढ़ एक्सप्रेस, झारखंड प्रदेश में भाजपा पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है, इसी को लेकर रामगढ़ जिला भाजपा कमेटी ने होटल ला मैरिटल में सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें जिला के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं पर आधारित होगा। आजाद सिपाही गढ़वा एक्सप्रेस, झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी हंटरगंज में आयोजित जनादेश सभा में भाजपा सरकार को घेरा, कहा झारखंड में उद्योग एवं विकास के नाम पर हाथी उड़ाते उड़ाते सरकार ने 900 करोड़ रुपए उड़ा दिया, उन्होंने देश विदेश में उद्योग लगाने के नाम पर खूब सैर सपाटा किया और जनता का पैसा पानी की तरह बहाया। आजाद सिपाही कोडरमा एक्सप्रेस, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और इसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के सुरक्षा और जनहित के लिए कार्य करना ही भाजपा की प्राथमिकता है, देश और राज्य के विकास के लिए भाजपा कृत संकल्पित है, उक्त बातें शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। आजाद सिपाही लातेहार एक्सप्रेस, कुड़ू के चिरी में आजसू के बूथ प्रभारियों के सम्मेलन में सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि कार्यकर्ता बिना छुट्टी लिए आज से ही काम पर लग जाए। आजाद सिपाही देवघर एक्सप्रेस, भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी जमीनी स्तर पर तेज कर दी है, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। झारखंड प्रदेश संगठन से प्रतिनियुक्त प्रवासी कार्यकर्ता लखबीर सिंह और बंटी राय ने कार्यकर्ताओं को समझाया। आजाद सिपाही जामताड़ा एक्सप्रेस, विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, टैक्स के बोझ तले आम जनता दब चुकी है, सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में विफल है, परंतु टैक्स लेने के मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं करती है। आजाद सिपाही दुमका एक्सप्रेस, झामुमो कार्यकर्ता रांची में बदलाव रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए, विधायक सीता सोरेन ने कहा कि जनता बदलाव के लिए कमर कस चुकी है, बदलाव की धमक राजधानी में दिखेगी। दूसरी खबर, मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि आदिवासी समाज के संस्कृति को बचाने के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, सरकार करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण कर ताकि आदिवासी समाज अपने पैर पर खड़ा हो सके।
आज के आजाद सिपाही के पॉलिटिकल एक्सप्रेस में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।